Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. तीसरी बार उसी पेड़ के सामने से गुजरने के बाद उसे यकीन हो गया कि वो रास्ता भटक चुकी है। तारीकी को बढ़ता हुआ देखकर उसके दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक मीठी धुन उसके कानों पर पड़ी। उसने पलट कर देखा तो एक बुढ़िया बांसुरी बजा रही थी। उस घने जंगल में गहरे तमस के बीच वो जुगनू सी चमक रही थी। उसके कदम खुद ब खुद बुढ़िया के जाने बढ़े, जैसे कोई डोर उसे आहिस्ता आहिस्ता खींच रही हो। करीब आने पर उसने देखा कि बुढ़िया जिस हाथ से बांसुरी बजा रही थी उस हाथ से खून निकल रहा था। इससे पहले कि वो मदद कर पाती, बुढ़िया ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उसके कान में सरगोशी से कुछ कहने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, साइड टेबल पे पड़ा अलार्म बजने लगा और हुदा की आँख खुल गयी। वो पिछले 3 दिन से यही ख्वाब रोज देख रही थी और फैसला नहीं कर पा रही थी कि यह ख्वाब कोई तोहफा है या किसी तूफान के आने का इशारा। उसका खोया खोया चेहरा देखकर उसकी अम्मी ने पूछा, क्या सोच रही हो हुदा? नाश्ता ठंडा हो रहा है बेटा। हुदा पराठे को अपनी प्लेट में पलटती रही मगर उससे एक निवाला खाया नहीं गया। अम्मी, नानी जान की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र ठीक है बेटा, कल शाम को ही उनसे बात हुई थी। जब से यहाँ आए हैं मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली कि उनकी खैरियत मालूम कर सकूं। कल तुम्हारे मामू का खुद फोन आ गया, तुम्हें बहुत प्यार देने को कहा है सबने। अगर नानी जान भी ठीक हैं, तो मुझे ख्वाब में कौन नजर आ रहा है? हुदा ने अपने आप से सवाल किया। हुदा अपने अम्मी और अब्बू के साथ 2 हफ्ते पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी। उसके अब्बू फौज में थे और हर 6 से 8 माह बाद उनका तबादला किसी और स्टेशन पर हो जाया करता था। हर 4 दिन बाद घर समेटने से हुदा की अम्मी को बहुत चिढ़ थी, लेकिन हुदा और उसके अब्बू को यू सफर में रहना बहुत पसंद था। नए लोगों से मिलना, घूमना फिरना और मजे मजे के पकवान चखना उन दोनों का पसंदीदा मशगला था। हुदा नए दोस्त बहुत जल्दी बना लिया करती थी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उसमें एक खूबी और भी थी, उसका नरम दिल और विरसे में मिली निडर सोच। उस दिन स्कूल से वापसी पर हुदा अपनी नई दोस्त आयशा के साथ बस में बैठी मिसिंग नोट्स टैली कर रही थी, जब बस एक सुनसान स्टॉप पर आकर रुकी। हुदा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा मगर वहाँ एक टूटे बेंच, जंग लगी रेलिंग और एक दरख्त के अलावा कुछ नहीं था। गौर से देखने पर हुदा को एहसास हुआ कि ये सनोबर का दरख्त था। मजबूत तना, लंबी पतली शाखें और छोटे छोटे हरे पत्ते लिए ये दरख्त वहाँ अकेले ऐसे खड़ा था मानो जैसे स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हो। जब बस दोबारा चली तो आयशा ने हुदा से पूछा, इतनी हैरत से क्या देख रही थी? उस सनोबर के तरफ को देख रही थी, कितना लाजवाब था ना। मैंने इससे पहले सिर्फ तस्वीर देखी थी, आज हकीकत में भी देख लिया। मैं तो करीब से देखना चाह रही थी मगर एक मशवरा दूं? आयशा ने हुदा की बात काटते हुए कहा। हाँ बोलो। इस पेड़ में ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाना, लोग कहते हैं एक बुढ़िया ने इस पेड़ के सामने दम तोड़ा था, उस पर मोहल्ले वालों ने चोरी का बेबुनियाद इल्जाम लगाया था। वो तो बेचारी एक म्यूजिक टीचर थी, बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाया करती थी, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकी और इस सदमे से चल बसी। कहते हैं अगर आज भी गौर से सुनो तो पेड़ के आसपास उसकी बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देती है। आयशा की ये बात सुनकर हुदा हंस पड़ी। आयशा, तुम 5 साल की बच्ची हो क्या? ओह गॉड, प्लीज डोंट टेल मी तुम इन मन घड़त कहानियों पर यकीन रखती हो। ये जिन, भूत, चुड़ैलें सब किताबों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं, हुदा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो मत मानो मेरी बात, बहुत बहादुर हो ना, तुम खुद जाकर सुन लेना। अगर बांसुरी की आवाज़ ना सुनाई दे तो मेरा नाम बदल देना, आयशा ने हुदा को चैलेंज करते हुए कहा। हुदा को आयशा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था मगर इस कहानी का उसके ख्वाब से मिलना एक अजीब इत्तेफाक था। हुदा को उस रात भी वही ख्वाब आया। जब आँख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो बुढ़िया
किसी मुसीबत में है और खुदा को मदद के लिए पुकार रही है। उसका तकलीफ से सुकड़ता चेहरा सारी रात खुदा के जहन में घूमता रहा और वो बेचैनी के मारे दोबारा सो नहीं सकी। सुबह होने तक खुदा फैसला कर चुकी थी कि वो इस पहेली को सुलझा कर रहेगी। आयशा को ये बात बताने का कोई फायदा नहीं था, उसका पेट बहुत हल्का था। अगर मैंने उसे अपना इरादा बताया या अपना मुंह खोला तो वो पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देगी और फिर अम्मी मुझे कभी भी वहाँ पर अकेले जाने नहीं देंगी। शाम को स्कूल से लाइब्रेरी जाने के बहाने खुदा चुपचाप अकेले पैदल चलते चलते बस स्टॉप तक पहुँच गई और कुछ फासले पर खड़ी होकर दरख्त को गौर से देखने लगी। डूबते हुए सूरज की रोशनी में ये दरख्त और भी खूबसूरत लग रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसकी शाखों से खेल रहे थे और हर पत्ता मस्ती में झूम रहा था। कितनी पुरसुकून जगह है ये, खुदा ने आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सोचा। आयशा भी ना पता नहीं किन बेतुकी बातों पर यकीन कर लेती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खुदा कुछ देर और वहीं खड़ी रही। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो घर जाने के लिए वापस मुड़ी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक मीठी धुन उसके कानों पर पड़ी। बांसुरी जैसी ये आवाज सुनकर खुदा का रंग फक हो गया। उसने पलट कर देखा मगर आसपास कोई नहीं था। वो वहीं खड़ी उस पेड़ को देखती रही। खुदा ने भागने की कोशिश की मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया, मानो जैसे उसका खून जम गया हो। खौफ से जकड़ी हुई खुदा को अचानक उसके अब्बू की एक नसीहत याद आ गई। बेटा, बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। इन अल्फाजों ने अचानक खुदा के दिल में हिम्मत और हौसले का एक दिया जला दिया। वो आगे बढ़ी और आवाज की सिमत का अंदाजा लगाते हुए दरख्त पर चढ़ गई। ऊपर की शाखों में उसे हलचल महसूस हुई। जब उसने पत्तों को हटाकर देखा तो उसे एक छोटी सी हर्मिट बर्ड टहनी पर बैठी नजर आई। उसकी बटन जैसी काली आंखें, गंदुमी रंग के पर और शहद जैसी मीठी आवाज सुनकर खुदा फिर से पुरसुकून हो गई। हेलो लिटिल बर्डी, तो आप हैं वो बुढ़िया जिसने पूरे शहर को परेशान कर रखा है, खुदा ने मुस्कुराते हुए कहा। गौर से देखने पर खुदा को एहसास हुआ कि हर्मिट का एक पर बेल पर लगे कांटों में फंसने की वजह से जख्मी हो गया है। ये देखकर खुदा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। खुदा ने हर्मिट को बहुत शफकत से अपने हाथ में उठाया और प्यार से कहा, डरो मत दोस्त, मैं आ गई हूँ ना, बाबा ने मुझे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है। डोंट यू वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगर मैं तुम्हारा नाम सनोबर रख दूं तो कैसा रहेगा, मेरी एक और दोस्त है, कल तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी। वैसे तो उसका नाम आयशा है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कल से हम उसे बी जमालो बुलाएंगे। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।